أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ मिनहाज कुरान के तमाम और मस्जिद के तमाम मेंबर्स को तमाम अराकीन को जिन्होंने इस महफिल का इनकार किया। अल्लाह ताला इनका महफिल सजाना हम सब का आना पढ़ना बैठना और सुनना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो लोग दूर से आए करीब से आए तमाम का शिरकत करना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और इस सफ़र में जिस जिसने मेरे साथ तआवुन किया अल्लाह ताला उनके लिए भी खास खास इनाम इकराम अता फरमाए, उन सब की भी मुश्किलात को आसान फरमाए आमीन, उनकी इस सारे खैर को कबूल फरमाए आमीन। एक छोटी सी गुजारिश है शुरू करने से पहले महफिल मीलाद के, कि जो लोग भी दूर बैठे हैं चेयर्स पे और बीच की चेयर्स जो खाली हैं उनको फिल कर लीजिए, जो एक दो हैं बीच में प्लीज़ आगे आगे आ जाइए, और जो यंगस्टर्स हैं अगर कोई ऊपर बैठे हुए हैं और पीछे बिल्कुल जो बैठे हुए हैं प्लीज़ अगर आगे आगे आप लोग आ जाएँ ताकि आप लोग जो उधर पीछे बैठे हैं उधर से भी उठ के यहाँ आ सकते हैं। इसके अंदर मुंह से बोलने का तो कोई काम नहीं था। जज़ाकअल्लाह शुक्रिया। तिलावत कलाम पाक से अपने पढ़ने का आगाज कर रही हूँ और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى صدق الله العظيم। हमदे बारी ताला पेश कर रही हूँ। तमाम लोग अल्लाह के जिक्र में बावाज़ बुलंद शामिल हो जाइएगा। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये जमी और ये आसमां तेरे कब्जे में है दो जहां,
सबका भरम मेरे मौला करम हो करम 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 बेकसों को सहारा मिले मौला डूबतों को किनारा मिले मौला सर से तूफान पल में टले जो तेरा मेरे मौला करम हो करम 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 भूल बैठे हैं तेरा में जो लिखा माला आज है दर बदर इस तरह कोई बिखरे लड़ी जिस तरह एक कर हमको बदरे शाह हमने खुद पे किए हैं मेरे मौला करम हो करम 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 में मैं अकेली बैठी हूँ माशाल्लाह इतना सुकून है जब भी कोई नात पूरी होती है या कोई शेर समझ आ जाता हो पसंद आता हो इसलिए नहीं कहूँगी कि पहले समझ आएगा तो फिर पसंद आएगा ना तो जब कोई शेर समझ आ जाता हो तो लोग कहते हैं सुभान अल्लाह है ना हम आपकी आवाज में गुम हो गए इतना ज्यादा गुम मत हो जाइएगा कि सब सो ही जाए बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतें हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए और जो जिक्र की मोहब्बत होती है एक मुझे बात याद आ गई ये कैमरा बंद हो रहा है हाँ ये गया था इनसे हाँ जी हिल गया था नहीं आज नहीं वो लेकिन उनकी उनकी नहीं आ रही जी मेरी आंखें नहीं आ रही हाँ ये हिल गया था क्योंकि वो नहीं चल रही नहीं चल रही है लेकिन चल नहीं रही सही हो उनकी नहीं आ रही लेकिन तो एक बात मुझे याद आ गई इन्होंने कहा ना कि हम जिक्र में इतना गुम हो गए एक मर्तबा एक शख्स ने सवाल किया कि हम जब पार्टीज में जाते हैं या हम कोई सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं या हम जैसे अपने एरिया के या अपने रिश्तेदारों में जब किसी दावतों में जाते हैं तो नींद नहीं आती जब मिलाद में जाते हैं या जिक्र की महफिल में इतनी नींद क्यों आती है ना अक्सर लोगों को ऐसा होता है तो अल्लाह के तो उनके प्यारे बंदे ने क्या जवाब दिया पता है इतना प्यारा जवाब दिया उन्होंने कहा कि कांटों की सेज होती है ना उस पर कभी किसी को नींद आई है जब फूलों की सेज होती है तो उस पर नींद आती है और जब जिक्र की महफिलें होती है ना ये जन्नत के बागात की मानिंद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया कि जब तुम दुनिया में जन्नत के बागात देखो तो उसमें से कुछ फल चुन लिया करो तो सहाबे किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जन्नत के बागात कैसे होंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो जिक्र की महफिलें हैं ये दुनिया में जन्नत के बागात की मानिंद है और जब तुम इसमें जाओगे और नेकियां और बरकतें हासिल करोगे तो इसके मायने हैं कि जन्नत में से फल चुनने की मानिंद है
तो आप सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की खातिर अपने घरों को, काम को, सब कुछ छोड़ कर आए हैं, अल्लाह ताला इसका अजर अजीम आपको अता फरमाए, इसकी बरकतें, इसकी रहमतें आपके घरों पर, जो साहिब औलाद हैं उनके बच्चों पर नाज़िल फरमाए, आमीन। आइए नात की फरमाइश है उसी से आगाज़ करते हैं, और आपके वैसे भी कोई पसंदीदा नाते हों जिनकी फरमाइश आप चाहते हैं, कोई सजेशंस हो तो मुझे बता सकते हैं, और दुरूद पाक बाबा से मिलकर मेरे साथ पढ़ लीजिए। फलक के नजारों, जमीन की बहारों, फलक के नजारों, जमीन की बहारों, सभी दे बनाओ, हुजूर आ गए पढ़िए, सल्ले अला शफीना
एक पंजाबी कलाम की फरमाइश है पेश कर रही हूँ, सब मिलकर मेरे साथ पढ़िएगा। और जिनको तकरीबन लोगों को तो यहाँ पे पंजाबी आती ही होगी, लेकिन जिनको नहीं आती और कुछ अगर मुश्किल बात हुई तो मैं ज़रूर इसमें आपको इसके साथ साथ ब्रीफिंग भी देती जाऊँगी इंशाल्लाह। मैं लज पाला दिलड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लज पाला दिलड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी के बंदे हमें मिले थे जिन्होंने कहा कि वो मुर्शिद ही नहीं जो रुस जाए, तो आप ये कहें कि दुआ मंगिया करो संगियों कि थे मुर्शिद ना टूट जावे, जिना दे पीर टूट जाने ओ जियों देवी मरे रहे दे, जिना गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम ये रसूल में मौत
कबूल है जो हो ना इश्क मुस्तफा वो जिंदगी फजूल है वो जिंदगी फजूल है। एक आला हजरत अहमद रजा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की फरमाइश की है हमारी किसी बहन ने, तो वो पेश कर रही, सब शामिल हो जाइएगा। कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमका दे
चमकाने वाले और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले चंद्राने वाले कहाँ तुमने देखे है चंद्राने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने और कलाम है वो भी आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जिसकी फरमाइश की है दुरूद पाक के साथ मिलकर इसको पढ़िएगा बलग़ल उला बिकमाल ही कशफ़ तुजा भी जमाल ही हसुना जमी उकसाल ही पढ़िए सल्लू अलैहि व आलिही पढ़िए सल्लू अलैहि व आलिही वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नफ्स जहां नहीं वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नफ्स जहां नहीं यही भूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं बराबर उला भी कमाल ही कशफ तुजा भी जमाल ही हसुना जमी उकसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही जिसमें सुखन न हो वो सुखन है जिसमें सुखन न हो वो बयां है जिसका बयां नहीं बराबर उला भी कमाल ही कशफ तुजा भी जमाल ही हसुना जमी उकसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही करूं मत है अहले दवल रजा पड़े इस बला में मेरी बला करीम का मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पारा ना नहीं बराबर उला
भी कमाल ही, कशफा तुझा भी जमाल ही, हसुना जमीयों खसाल ही, पढ़िए सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। बहुत बहुत मशहूर कलाम जिसकी हमारी बहन ने फरमाइश की है, मैं पेश कर रही हूँ। यार डॉक्टर ताहिर अल कादरी के सामने भी, साहब के सामने भी पेश की, और कनाडा में अलहमदिल्ला से जब मुलाकात का इत्तेफाक हुआ, शर्फ हासिल हुआ, तो ये कलाम मैंने वहाँ भी पढ़ा, सब मिलकर मेरे साथ पढ़ेगा। बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है और बहुत ज़्यादा आप सब शायद साथ भी ना पढ़ सकें, लेकिन इसके अशआर बहुत प्यारे हैं, अगर गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर समझ भी आएंगे, और जब समझ आएंगे तो फिर पसंद भी आएंगे। कि अपनी नस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। अपनी नस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। देखने वालों मुझको न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा हूँ, किसके दामन से वाबस्ता हूँ मैं, कौन वाली है किसका गदा करम की बदौलत बड़ा हूँ। और देखता हूँ जब उनकी अताए, भूल जाता हूँ अपनी खताए,
तरफ देखता हूँ, अपनी नस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हमारी किसी बहन ने फरमाइश की है दुआइया कलाम की, ऐसा गुंबद वाले को जब इंशाल्लाह दुआ करेंगे तो उससे पहले मैं ये पढ़ूंगी। मैंने सोचा इन्फॉर्म कर दूं, सिर्फ वो इंतज़ार कर रही होंगी कि आप पढ़ेंगी या पढ़ेंगी, तो इंशाल्लाह एंड में पढ़ूंगी जी। لم يأتي نظيرك في نظر لم يأتي نظيرك في نظر مثل تراشد پیدا جاتا جگ راج کو تا Jim.